भ्रम भी कभी कभी कितने निर्दयी होते हैं। जीजा जी, लगता है बच्ची को अपने घर वालों की बहुत याद आ रही है, अपने माता पिता की। हमारे घर का तो माहौल ही कुछ ऐसा, बच्ची को कुछ दिनों के लिए अपने घर भेज देना चाहिए। आ बेटा, बेटा तू दिल्ली से है ना, चल चल मैं तुझे बस स्टैंड छोड़ आता हूँ। रो मत बेटा, चल ना, मैं तैयार को बस में बिठा दूँ। जब तक मैं लौट के वापस नहीं आता तुम यहां से हिलने की कोशिश बिल्कुल मत करना। चल, ये कहीं नहीं जाएगी। मेरी पत्नी है ये, और इस घर के रीति रिवाज तो आप सब जानते ही हैं। एक बार जो किसी लड़की की डोली सचकर ससुराल आती है, उसके बाद सिर्फ उस घर से उसकी आरती निकलती है। नील, क्यों गुस्सा कर रहा है बच्ची पर? उसकी हालत तो देख। हालत इसकी जो भी हो, लेकिन ये इस घर में नहीं रह सकती। भूल मत ना उन्हें, इस ब्याह को व्यास जी ने आशीर्वाद नहीं दिए। ना तो मुझे किसी की आशीर्वाद की जरूरत है और ना तो मुझे इस घर की। मैं और मेरी पत्नी रहने के लिए एक दूसरी छत ढूंढ लेंगे। नील, माँ बाप का आशीर्वाद एक सुखी जीवन के लिए जरूरी होंदु। इस तरह जीजा जी का अपमान करके मत जा, एक बार विनती कर ले उनसे, आखिर पिता है वो तेरे। एक पिता के लिए अपने बच्चे का खोने का क्या महत्व होता है ना, ये मैं अपने बच्चे को खोने के बाद समझ सकता हूँ। सौरा जी खड़े हैं लेकिन निष्ठुर हैं, उनके मन में कोई खोट नहीं है। जा भुला जा, भुला जा, माफी मांग ले एक बार, जा भुला। माफी मांगने से क्या होगा प्रमुख जी? अभी अभी व्यास जी अपनी बच्ची की चिता को जलते हुए देखकर आए हैं। ऐसा कौन सा पिता होगा जो ऐसी मनोस्थिति में ऐसी बेशर्मी को अपनाएगा? जिसके घर में आते ही दुख के बादल छा गए हो, व्यास जी ऐसी लड़की को अपनाएंगे नहीं। स्वीकार है मुझे। नील अपनी बुआरी के साथ इसी घर में रहेगा।